हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में शुक्रवार को मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के अनुसार मरीज के नमूने पुष्टि के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बद्दी इलाके के रहने वाले इस शख्स में 21 दिन पहले संक्रमण के लक्षण दिखे थे, जो कि अब तक ठीक हो रहे हैं। एहतियातन मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, साथ ही आसपास के इलाकों की भी निगरानी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार इस मरीज का भी विदेशी यात्रा से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि 27 जुलाई तक मंकीपॉक्स के 4 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें 3 केरल और 1 दिल्ली में सामने आए। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि देश में मंकीपॉक्स से मृत्यु का एक भी मामला सामने नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा कि देश के कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मई महीने से कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मंकीपॉक्स के बढ़ते खतरे के कारण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के लोगों में घबराहट और स्किन की समान एलर्जी को भी मंकीपॉक्स से संक्रमित होने की आशंका में जांच के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। मंकीपॉक्स के मामलों से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।